नमस्कार, आप देखकर राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वहाँ पास जो युवा जो बीजेपी उसके अध्यक्ष खड़े होंगे, चर्चा करेंगे। सर, क्या जिले में कब आपकी रणनीति बनाई जा रही है, क्या रूपरेखा चल रही है, जिस प्रकार से सर सारी आगे सर सूची वगैरह? युवा मोर्चा का गठन जल्द होगा जी, प्रदेश से लेकर जिले का। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ये काम जल्द पूर्ण किया जाएगा जी। और सर, मध्य प्रदेश में चार जगह उपचुनाव भी, इसमें क्या रणनीति बनाई है सर? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्राण प्राण के साथ लगेगा, और नीचे तक बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मोबिलाइज करके किस तरह से और आगे हमारे विचार को नीचे तक पहुंचाया जा सकता है, और किस प्रकार से प्रत्येक विधानसभा और एक लोकसभा का जो हमारा उपचुनाव है, इन तीन विधानसभा और एक लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कमल खिलेगा, उस बात के पूरे प्रयास करके हम प्रचंड बहुमत से चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस ओबीसी को छोड़कर आदिवासियों के साथ देख रही है, उस पर क्या कहेंगे सर, इस प्रकार से कमलनाथ जी की रैली निकाल रहे हैं? कांग्रेस भ्रम और झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस ने भ्रम और झूठ के आधार पे 2018 में सरकार बनाने का प्रयास किया, भ्रम ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, अब आदिवासियों के मुद्दे पे भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल बातें फैलाने का प्रयास कर रही है, मेरा यही कहना है कांग्रेस को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी समाचार के। लगातार आप देखकर राजधानी समाचार जुड़े रहे। राजधानी समाचार से नीय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भाजपा बीजेपी कार्यालय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.